बाड़मेर इन दोनों अवैध बजरी की टेरिटरी बन गया है। यहां स्वीकृत एलओआई क्षेत्र में भी माफिया द्वारा न केवल अवैध बजरी के स्टॉक किए जा रहे हैं। इस मामले में एलओआई होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी एनजीटी मंत्री नितिन गडकरी सीसी और खान मंत्री तक को शिकायत की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 नवंबर 2017 के आदेशानुसार राजस्थान राज्य की नदियों से निर्गमित खनिज बजरी की 82 तहसील में खनन कार्य पर रोक लगा दी गई, जिस कारणवश जिला बाड़मेर की तहसील पचपदरा सिंधरी गुड़ा मलानी चौहटन और सिवाना में खनिज बजरी क्षेत्रों में लगभग 4 वर्ष से वैध बजरी खनन पूर्ण रूप से बंद है। पिछले 4 वर्षों से वैध खनन प्रतिबंध के दौरान संगठित अपराधी स्थानीय माफियाओं द्वारा एलओआई क्षेत्रों से निरंतर अवैध बजरी खनन कर गहरे गहरे गड्ढे बना दिए गए और नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया गया। अवैध माफियाओं द्वारा बिना रवन्ना परमिटों के 15 दिवस या महीने के अंत में खातेदारी खनन पट्टाओं के रवन्ना प्रस्तुत किए जा रहे थे। इसके अलावा इन माफियाओं द्वारा नदी क्षेत्र से अवैध खनन कर वहां पर स्थापित लगभग 30 से 40 आरएमसी प्लांट्स में भी बजरी भेजी जा रही है और आरएमसी प्लांट्स द्वारा अवैध बजरी लेकर भारतमाला प्रोजेक्ट और रिफाइनरी पचपदरा में सप्लाई की जाती है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11 नवंबर 2021 के आदेशानुसार नदी क्षेत्र से 5 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित खातेदारी बजरी खनन पट्टों में खनन कार्य बंद करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में एलओआई होल्डर्स ने मांग की है कि एनएचएआई द्वारा भारतमाला रोड बना रहे ठेकेदार प्रबंधक और रिफाइनरी के प्रबंधक द्वारा किए गए अवैध बजरी स्टॉक का उच्च संबंधित अधिकारियों द्वारा मेजरमेंट करवाया जाए। और अब